क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग, कल हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका की नदियां, रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका की नदियां, जैसा कि कल मैंने बताया था नदियां निकलती हैं और कहीं गिरती हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है इसका बैकग्राउंड क्या है साउथ अमेरिका का। तो जो ऊपरी भाग है वो कैरोबियन सागर से घिरा है, कैरोबियन सागर से घिरा है। ठीक, ऊपरी उत्तरी भाग, साउथ अमेरिका का उत्तरी भाग जो होता है वो किससे? कैरोबियन सागर से। पूर्वी भाग, जैसा कि मैंने बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका था वहां पे भी अटलांटिक पूर्वी में था लेकिन वो उत्तरी अटलांटिक था, तो ये दक्षिण अमेरिका है, तो यहां पे दक्षिणी अटलांटिक से पूर्वी भाग घिरा हुआ है। किससे? दक्षिण अटलांटिक महासागर से। ठीक है, इधर पूर्व पश्चिम की तरफ देखते हैं, पश्चिम की तरफ वही दक्षिण लगेगा, दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर। और ये इधर का जो पोर्शन होता है ये अंटार्कटिका है, नीचे का जो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका जहां से अलग होता है उसको कहते हैं ड्रैग पैसेज। ठीक है, ड्रैग पैसेज, ये एक थोड़ा सा आउट एरिया हुआ। अब थोड़ा सा आपको डीप में बताते हैं, क्योंकि डीप में बिना बताए समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोलोराडो या कोलंबिया पठार जो भी हम बोलेंगे वो आप कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले एक मैप बनाते हैं, ये मान लीजिए साउथ अमेरिका का मैप है, थोड़ा इधर उधर होगा आप समझ लीजिएगा, साउथ अमेरिका का मैप है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है कोलंबिया। ठीक है, क्या है? कोलंबिया, कोलंबिया, ये है इक्वाडोर, इक्वाडोर, उसी के जस्ट बगल लगा हुआ क्या है? वेनेजुएला, वेनेजुएला। ठीक है, उसी के जस्ट बगल आप यहां पे देखेंगे इक्वाडोर से सटा हुआ, इक्वाडोर से सटा हुआ क्या हो सकता है? पेरू। ठीक, उसके पूरे नीचे का पतला सा भाग चिली है, ये जो पोर्शन बचता है ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है, इसके ऊपर आप देखेंगे कि उरुग्वे है, उरुग्वे है, यहीं पे पराग्वे है, और इधर ब्राजील का एरिया आता है। ठीक है, एक चीज आपको ये क्लियर हो गई है कि ये ब्राजील का एरिया हो गया, ऊपर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप ले चलते हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने के लिए। चलो चलिए, इसी में हम आपको बता देते हैं कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है राकी, सॉरी, एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये पोर्शन पूरा जो नीचे से हमने कवर करने की कोशिश की, ये क्या है? एंडीज पर्वत, यहां पे देखिए। उसके बाद ये जो पोर्शन आता है ये ब्राजील की उच्च भूमि के नाम आता है, ब्राजील की उच्च भूमि के नाम आता है। कुछ घासें भी मिलती हैं, जैसे ब्राजील में क्या मिलता है? सिल्वास, मैंने पहले ही बताया है, सिल्वास मिलता है। ठीक, उसके नीचे कैंपोस होता है, यहां पे कैंपोस मिलता है। अर्जेंटीना में क्या? पंपास मिलता है, ये आप लोग एक परिचित हो गए। अब नदियों के बारे में जल्दी से चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नदियों की तरफ चलते हैं, बाकी और बाकी चीजें बाद में बता देंगे हम। ठीक है, सबसे पहली जो नदी है हमारी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली नदी की तरफ चलते हैं जो आपको दिख रही होगी, मैंने बनाया है तो आप देख रहे होंगे, ये जो रिवर दिख रही है इसको बोलते हैं ओरानिको रिवर, ओरानिको नदी। हो सकता है कहीं मात्रा ना लगी हो तो आप लोग गलती ना बता के उसको मैप में देखकर अपने आप ही सही कर लेंगे। ओरनिको नदी ये जो होती है यहां से निकलती है, ठीक है, सीरा, सीरा पारिमा पर्वत से, सीरा पारिमा पर्वत, सीरा पारिमा पर्वत से निकलती है और कैरोबियन सागर में जाके मिल जाती है। कहां पे? कैरोबियन सागर। ठीक है, ओरनिको सीरा पारिमा पर्वत से निकली, कैरोबियन सागर में जाके मिल गई। ठीक है, अगला, अगली नदी, ये जो आपको नदी दिख रही है इस नदी का नाम है मैकडोलना नदी, मैकडोलना। हो सकता है नाम में कहीं थोड़ा सा अंतर आ जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, मैकडोलना नदी। जो मैकडोलना नदी दिख रही है आपको उत्तर की तरफ बहती हुई दिख रही है, मतलब इधर की तरफ बह रही है, और ये नदी इधर की तरफ बह रही थी। ठीक, ये भी उत्तर और थोड़ा सा पूर्व में ही बह रही थी। ठीक है, तो ये ओरिएंटल पर्वत श्रेणी से निकलती, जो ये आपका कोलंबिया का पठार है
ये कोलंबिया का पठार, जहां पे कोलंबिया है, कोलंबिया के पठार से ओरिएंटल पर्वत श्रेणी से निकलती है, एंटल पर्वत श्रेणी से निकलती है, कोलंबिया के पठार के कोलंबिया पर्वत श्रेणी से निकलती है और कहां गिरती है ऊपर कैरोबियन सागर में, कैरोबियन सागर में। ये दो बड़ी नदियां मैंने बता दी। अब सबसे बड़ी जो नदी होगी वो आपको एक दिखाई पड़ रही है, ये आते हुए ये आ रही है, ये ठीक है, यहां से आके इधर मुड़ गई है। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये नदी, ये वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक, ये इस नदी की बात करते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इस नदी की बात करते हैं। ये जो नदी है ये आपको दिख जो रही है ये है अमेजन, जो विश्व की जो सबसे बड़ी नील नदी, अभी जल्दी में घटना चक्र में ये प्रकाशित किया गया था कि अब अमेजन सबसे बड़ी नदी हो गई, जब से उसमें देखा गया है, सैटेलाइट से देखा गया, लेकिन फिलहाल जो भी हो, लेकिन अभी तो हम लोग नील नदी को ही सबसे लंबी नदी मानेंगे, और लेकिन इसका अफवाह क्षेत्र तो सबसे बड़ा है। तो जो अमेजन नदी है वो एंडीज पर्वत से निकलती है, आप देख रहे हैं एंडीज पर्वत से निकल रही है ये नदी, कहां से निकल रही है, अमेजन एंडीज पर्वत श्रेणी से निकल रही है, एंडीज पर्वत श्रेणी से निकल रही है और जाके अटलांटिक महासागर में गिर जा रही है, अटलांटिक महासागर में गिर जा रही है, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सहायक नदियों की अगर बात करें तो एक नदी आपको दिख रही है ये, इस नदी का नाम, इस नदी में दो नदियां इधर की साइड से मिल रही हैं, ठीक है, तो पहली का नदी नदी का नाम है रियो निग्रो नदी, ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी है, रियो निग्रो नदी, ठीक। दूसरी एक नदी यहां पर आपको दिख रही है जापुरा नदी, जिसका डिटेल देना होगा हम उसी का डिटेल आपको देते चलेंगे, इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि उस नदी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि सारी नदियों के बारे में बताना संभव नहीं है एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में, ठीक है। तो जापुरा नदी का थोड़ा सा एक बार दो बार जो नदी पूछी गई है मैं उनके ही डिटेल देता चलूंगा, ये है जापुरा नदी, आप देखिए इधर कौन सी है, रियो निग्रो नदी, इधर जापुरा नदी, ये भी ओरिएंटल पर्वत श्रेणी से, मतलब इधर से ही निकलती है, ओरिएंटल ओरिएंटल पर्वत श्रेणी कहां पे, कोलंबिया के पठार के पास, ओरिएंटल पर्वत श्रेणी कहां पे, कोलंबिया के पठार में है ये, ठीक है। और गिरती कहां पे है ये, अगर ये जापुरा नदी ब्राजील के पास अमेजन में जाके मिल जाती है, ब्राजील जहां से शुरुआत होता है, ब्राजील के पास अमेजन में मिलती है, ठीक है, ब्राजील के पास किस में मिल जाती है, जापुरा नदी अमेजन में मिल जाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं नदी, अगली नदी की बात करते हैं जो मिल रही है, आप देखिए इधर से बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, तो एक छोटा छोटा अगर हम बताते चलें तो एक नदी दिख रही होगी आपको ये, इस नदी का नाम है पुरुष नदी, ठीक है। ये जो पुरुष नदी है ये निकलती पेरू के पूर्व, जैसा मैंने बताया था यहां पे पेरू है, पेरू के पूर्व से निकलती है और अमेजन में जाके मिल जाती है, ठीक। अगली जो नदी एक और दिख रही है, अगर मैं उसका नाम बता दूं आपको, देख लीजिएगा ध्यान से, ये नदी का नाम है ओकायली नदी, ओकायली नदी, ठीक है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जिससे आप अगर लिखने में कहीं दर्द हो रहा हो तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ओकायली नदी। अगली जो नदी आपको दिख रही है उसके बारे में ले चलते हैं, बताते हैं, अगला नदी है मंडीरा नदी, मंडीरा नदी, ठीक है, कौन सी नदी, मंडीरा, मंडीरा नदी, ये जो सबसे बड़ी इधर की नदी दिख रही है ये मंडीरा नदी है, कौन सी नदी है, मंडीरा नदी, ठीक है, मंडीरा नदी, मंडीरा नदी ओरिएंटल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ओरिएंटल से निकलती है और ये जाके आपके मिल जाती है अमेजन में, ठीक है, अमेजन में। अब अगली नदी देखते हैं, इधर उरुग्वे नदी है, उरुग्वे नदी है, ये देख लीजिए आप, एक मिनट, ये जो है उरुग्वे नदी हो गई, उरुग्वे जो नदी है ये ब्राजील के दक्षिण भाग से निकलती है और एक नाम है रियो डी प्लाटा, ब्राजील के दक्षिण भाग से, ब्राजील के दक्षिण भाग से निकलती है और रियो डी प्लाटा,
डी प्लाटा में जाके मिल जाती है। अगर आप देखें तो ये नदी इस दिशा में बह रही है। ठीक, अगली जो मैंने नदी निकाली है, इस नदी का नाम है, ये है परागवे नदी, परागवे नदी। और इसी के जहां पे ये जाके मिल रही है परागवे, इस नदी का नाम है पराना नदी। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं रुके को, पराना नदी। ये कौन सी है? पराना। ये देखो इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है और ये इधर जा रही है। और जो पराना नदी है ये निकलती कहां से है? पराना नदी निकलती है ब्राजील की उच्च भूमि से, ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है, जैसा कि मैंने बताया था यहां पर ब्राजील की उच्च भूमि बनाया था। और ये जाके गिरती है रियो डी प्लाटा में, रियो डी प्लाटा में। ठीक है, अब बात बसती है परागवे नदी। परागवे नदी मोंटे ग्रासो पठार से निकलती है, मोंटे ग्रासो पठार से निकलती है, मोंटे ग्रासो पठार से निकलती है और मराजो द्वीप के पास, ये पराना नदी से मराजो द्वीप एक है, मराजो द्वीप के पास ये किससे मिल जाती है? पराना नदी से। ठीक है, अगली जो नदी ये दिख रही है कोलोरेडो नदी दिख रही है, कोलोरेडो नदी। ठीक, अगली ये जो दिख रही है नदी आपकी, ये है नीग्रो नदी, नीग्रो नदी। इतना डिटेल हो गया। एक बार मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी मैं फिर नदियों के नाम आपको बताता चलूं फटाफट और आप देखते चलिए। जैसे ये आप, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं कौन सी नदी है? ओर्निको, ओर्निको अमेजन का लिखा ही है। ठीक है, ये कौन सी नदी थी? इस नदी का नाम था मैकडोना नदी, मैकडोना नदी। ये कौन सी नदी थी आप बताइए, नदी कौन सी थी? आप उसमें देखिए मैप में ध्यान से, जापुआ नदी। ये पुरुष नदी, ठीक, ये परागवे नदी, ये पराना नदी, ये उरुग्वे नदी, ये कोलोरेडो नदी और ये वाली निग्रो नदी। और ये जो दिख रही है रियो, रियो निग्रो नदी। ठीक है, अब कोई नदी बच रही है? अगर बच रही हो तो वो भी अब देख लिया जाए तुरंत। ये हाँ, एक ये बच रही है, मंडीरा नदी, मंडीरा नदी। ठीक है, मंडीरा नदी दिख रही है। एक और नदी निकलती है उसी के बगल से, इस नदी का नाम है जिंगू नदी। ये आप ध्यान से एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद मैं बस हो गया है नदी। कल मैं एशिया की नदियां, उसके बाद अगर आप इसको समझ ना पाइएगा तो एक दो बार अच्छे से पॉज कर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।